से खड़ा हूँ, प्रभु ने खड़ा किया है। मुझे लगता है कल की ही बात है और व्यस्तता में पता ही नहीं चला एक सप्ताह बीत गया। और आप लोगों को देख करके सच में प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे उन रिश्तों में आते हो जो रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक हम लोग एक साथ रहने वाले हैं और यह है हमारा परिवार। तो झारखंड में भी हमारे परिवार हैं, इधर ज्यादा गोरे गोरे लोग हैं, हम लोग उधर काले काले लोग हैं चेहरे काले हैं लेकिन सब अच्छे हैं, आपके भाई हैं, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं मसीह परिवार में, हमारा एक ही लक्ष्य इस तरह से हो कि हमारे मिलना दूसरों को एक समझिए, इस तरह से मैं कहूँ, आजकल सब लोग के पास में मोबाइल रहता है ना, तो चार्जिंग करने के लिए तो हमेशा सभी लोग की दरकार होती है। तो हम लोग ऐसा करें कि मोबाइल चार्जर हम लोग सब लोग अपने साथ में रखें ऑल द डेज ऑल द टाइम्स, जब भी मिले दूसरे के मोबाइल को चार्ज कर दें, कितना अच्छा होगा। लेकिन इसको यदि मैं कहूँ आत्मिक चार्जर, मोबाइल चार्जर के जगह, कि जब आप किसी से मिलते हैं, मिलने से आपके अंदर से कुछ निकलना चाहिए, आपकी मुस्कुराहट, एक थोड़ा सा वचन, अगर आप सेम हो भाई लोग हो तो आप हाथ कंधे में हाथ रख करके भी आप ब्रदर्स कैसे हो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ एक वर्ड, एक ऐसा कैप्सूल, एक टैबलेट, लिटरली नहीं स्पिरिचुअल कैप्सूल, अगर आप हजमुल्ला टाइप का भी कुछ दे सके एक दूसरे को तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो हमारा मिलना, प्रभु का वचन में बोल रहे कि जब लास्ट के दिन जब आते हुए जब तुम देखते हो तो तुम और ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। और यही है सच में बोलने से ये चार्जिंग पॉइंट, जो अकेले अकेले साहब तो प्रभु का धरती है, चलो घरे में आराधना कर लेते, कुछ लोग ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, कलीसिया जब स्थापित की गई है आपको कलीसिया के उस पॉइंट में चार्जिंग करना आता है, आपका घर में पॉइंट मत बनाइए, अलग पॉइंट इधर ही चार्ज करना है। तो जब भी एक दूसरे से मिले तो ये लगना अपनापन लगना चाहिए। और जैसे प्रभु भी बताए ना, एक दूसरे के पांव धोया कर, तो हम लोग लिटरली पांव को तो धोते नहीं है लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को चार्ज करते हैं हमारी बातों से उनको तसल्ली मिलता है, बल मिलता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते ना किसके दिल में कौन सा तूफान चल रहा है, कौन सा आंधी चल रहा है। आपकी मुस्कुराते हुए चेहरे सब कुछ तो बयान नहीं करते, कई बार अंदर में इतना तूफान है लेकिन बाहर में एहसास ही नहीं होने देते कि हम इतने स्ट्रगल से जी रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते जब हम लोग इस बातों को मन के साथ चलें, ये हमारा परिवार है और सबको कुछ ना कुछ कमी घटी रहती है, सबको बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। तो आइए इस तरह से हम लोग मिलना जुलना शुरू करेंगे और ज़्यादा एक दूसरे को ख्याल रखें, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं वायरस लगने का खतरा हमेशा रहता है। अभी तो वायरस लिटरली तो वायरस ही घूम रहा चारों तरफ, वायरस ही तो है, कोरोना क्या है, पोका है, कीड़ा। तो परमेश्वर के पास में जब आते हैं ना तो हम लोग को स्कन होना जरूरी है कि कीड़ा के साथ हम ना हो। इसके लिए कुछ लोग जब हम लोग मैच लेने वाले थे फटाफट सब लोगों ने अपना बोतल निकाल लिया, सीसी बोतल निकाल लिया। मैं बोला कि ये कोई नया स्टाइल है, बोतल से कहीं उसमें चेक करना होगा, एल्डर साहब चेक करिए कि सैनिटाइजर है कि कुछ रख। सीसी बोतल का साथ बचपन का रिश्ता है तो थोड़ा सा चेक करिए बीच बीच में, अच्छा है। आप उस सैनिटाइजर लगा करके कहते हैं कि मैं थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, कोई मुझे रोग नहीं, वायरस नहीं आएगी। कोरोना जैसे लगता है लेडीज वायरस होगा, कोरोना जैसे लगता ओके नहीं आएगी, चाहे आएगा जो भी हो। तो परमेश्वर के पास में आकर के इस तरह से सरेंडर करना और परमेश्वर के उस स्कैनर के सामने खड़ा होना हम सब लोगों का जिम्मेदारी है। हमारे बाल बच्चे जो
आपके पास में कितना रहते है, कभी आपने ध्यान दिया? ये लड़का अगर स्कूल में जाते हैं तो आप इस लड़के का लाइफ का 24 आवर्स का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मम्मी पापा के पास में कितना बिता रहा, पूरा पूरा 8 घंटा तो स्कूल में बिता रहा। अगर और 1-2 घंटा खेलने के लिए निकलता है तो और 2 घंटा जोड़ दीजिए, 10 घंटा ऐसे चला गया। और कितना सोता है बाबू? 8 घंटा सो लेता है तो कितना, 10 और 8, 18 ऐसे खत्म हो गया, कितना बच गया? 6 घंटा। 6 घंटा मम्मी पापा के साथ में तो नहीं बिताता, 2 घंटा मोबाइल के साथ, तो 20 घंटा इधर हो गया, 4 घंटा में 2 घंटा और दोस्तों के साथ में। हमको लग रहा आधा से 1 घंटा मम्मी पापा के साथ में बिताता होगा, ये भी ज्यादा बोल दिया है ना, ज्यादा बोल दिया। खाना के टाइम में भी होगा, वो भी प्यार से नहीं बोलता, क्या बनाया भिंडी, भिंडी कोई बनाता है खाने की चीज है? वो भी मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं है ना। तो मम्मी पापा के इसमें क्या चीज है कि आपको ऐसा एंटीवायरस दे देगा और आप संसार में 24 घंटा घूमिएगा और मम्मी पापा के पास में आधा घंटा बिता रहे हो, 1 घंटा बिता रहे हो, उसी से सारा वायरस खत्म हो जाएगा और परमेश्वर, परमेश्वर का सुगंध आपके अंदर में पवित्र पवित्र सेना यहोवा जैसा लगेगा। कैसे? ऐसे नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। और आज का वचन हम यही शुरू करेंगे, भजन संहिता 139 और उसका हम लोग 23 और 24 पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 और 23 और 24 अच्छा होगा। आप लोग पद को मिलने के बाद कोशिश करिए कि जल्दी निकाल लीजिए तो हम लोग ज्यादा समय प्रभु का वचन सुन सकें। यस 39 Psalms 139 and verse 23 and 24। परमेश्वर के समक्ष आकर के एक भक्त कह रहा है, प्रभु जांच तो, जरा चेक कर लो तो, स्कैन कर दो, किस चीज की जांच करने के लिए भक्त कह रहा है? प्रभु के पास में आकर के जो प्रभु को कह रहा है जांच ले प्रभु, तो किसकी तलाशी ले, क्या चीज नहीं होना चाहिए और क्या चीज होना चाहिए? ये चीज के लिए कोई तस्करी का चीज तो नहीं है, जिसको तू पसंद नहीं करता वो चीज तो मेरे अंदर में नहीं है, और जो तू पसंद करता वो चीज पाया जाता है कि नहीं, जरा सा चेक कर। और हम प्रभु के पास में आते हैं और कहते प्रभु जी चेक कर। मुझे याद आ रहा है एक व्यक्ति का नौकरी लगने वाली थी और बोला, अरे यार तू लेट किया, इधर आओ, लाओ सारा सर्टिफिकेट, लाओ सारा सर्टिफिकेट दिया और पूरा ये डायरेक्टर साहब पूरा चार चार के देख लिया सारा चीज है। बोला यार करेक्टर सर्टिफिकेट, सर करेक्टर सर्टिफिकेट भूल गया। अरे तो कैसे होगा, तुमको बोले था ना सारा डॉक्यूमेंट्स ला, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लाए। सर क्या करे, जल्दीबाजी यार, तू करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लाया क्या करे, चेक तो करना पड़ेगा। चल चल तेरा मोबाइल का, तेरे मोबाइल मोबाइल क्या करेगा? अरे मोबाइल भी बहुत सारे बहुत बड़ा करेक्टर सर्टिफिकेट ला, मोबाइल में चेक करेगा 7 दिन के अंदर में क्या क्या वो सर्च किया वो देखेगा। ओ सॉरी यू आर दिस क्वालिफाइड। कई बार मोबाइल भी बहुत बड़ा करेक्टर सर्टिफिकेट है ना सर। प्रभु के पास में आकर के जांचना बहुत जरूरी है, क्या जांच करने के लिए प्रभु चाहता है, और ये दास प्रभु के पास में आकर के ये जांच करवाना चाहता है, क्योंकि इस बात के लिए एक भक्त को डर लगता है कि मैं प्रभु के भय में पाया जाता हूं कि नहीं, प्रभु का भय मेरे जीवन में है कि नहीं, पाया जाता है कि नहीं, मैं डरता हूं कि नहीं, तो चेक कर लेता प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं ये बुद्धि का आरंभ है। प्रभु का भय मानना बुद्धि का, अगर ये प्रभु का भय नहीं है, और अगर एक साइंटिस्ट चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह और शुक्रवार ग्रह में चला, मंगल ग्रह में चल भी गया है, तो क्या फायदा होगा? परमेश्वर के लिए आसान हो जाएगा, यहां से उठाने से अच्छा ऊपर ऊपर से उठा लेगा है। बोला तू इतना दूर तक आ गया पहले से, चल चल आ जा तू पहले आ। ये आप क्या समझ रहे हैं, आप इस दुनिया में रहे चाहे कोई भी दुनिया में रहे, आप एक सुरक्षित रखिए, आप प्रभु का भय मान रहे हो कि नहीं,
क्योंकि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आपको बुद्धि अभी अभी हुआ, कब? जब आपने प्रभु का भय मानना शुरुआत किया। प्रभु का भय, जीवित प्रभु का भय नहीं मानते हो और आप गंदा, आप मंगल ग्रह में घर बनाते हो, क्या बुद्धिमानी है? मूर्ख। क्योंकि अगर नरक यदि जाएगा तो सबसे पहले कौन जाए? उनको लग रहा है डिस्टेंस के हिसाब से जोड़ेंगे तो सबसे पहले वही जाए। कम आओ, बाहर निकलो, तो सबसे पहले वो तो बाहर क्या निकले, वो आधा दूर तक पहुंच चुका हो, तो सबसे पहले वो तो जब तक लोग गिरेगा वो सबसे पहले गिरा रहे, गिरा बाद। तो प्रभु बोल रहा है ओके आ जा, मैं जांच करता हूं। ये तो प्रभु का भय, हम सब लोगों को जांच करने की बात है, ये इंडिविजुअल जांच, अपनी अपनी जांच होने के लिए, जांच करवाने के लिए। हम दूसरे का जांच नहीं कर सकते, हम अपना जांच कर सकते हैं। और प्रभु के साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता ये जरूरी है, व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करने के लिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। इसलिए पुराना नियम में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, एक के बाद एक 10 आज्ञा दिया हुआ, पालन करने के लिए दिया गया। लेकिन उसमें से आप गौर कर, अभी हम लोग उस पर जाएंगे, आपको मिलेगा, एक व्यक्ति प्रभु का भय मानता है इसका क्या चिन्ह है? कैसे जानेंगे कि एक व्यक्ति भय मान रहा? माथे में इस तरह से तौलिया लेकर के आने से, सैनिटाइजर लेके आने से, काला बाइबल लेके आने से? मैं कहता हूं एक से लेकर के आप 9 आज्ञाओं को भी यदि आप पालन करते हो, तपर से भी ये प्रूव्ड नहीं होगा कि आप जीवित परमेश्वर का भय मानते। इन बातों से 1 से लेकर 9 तक, मान लीजिए कि अगर आप, पहला आदेश क्या है, मुझे छोड़कर के तुम किसी को नहीं मानना, मूर्ति नहीं बनाना, तो मैं अगर मूर्ति बना करके पूजा कर रहा हूं तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, वो तो एक्शन में आते हैं, 1 से लेकर 9 तक सारा एक्शन में आते हैं। मैं यदि झूठ बोलता हूं तो पकड़ा जाऊंगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना। मैं मम्मी पापा का बात नहीं मानता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, हत्या करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये सारे 1 से लेकर 9 तक आप यदि आप पढ़ेंगे तो सारे बाहरी एक्शन है, जो आप एक्शन को तोड़ेंगे और आप कड़गड़े में आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, गलती क्या, वन से नहीं। तो इसके कारण से, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं उसको पकड़ाना नहीं चाहूंगा ना। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो क्या कारण हो सकता है कि एल्डर साहब देख रहे हैं, एल्डर है अभी नहीं किया, इधर रखे बाद में, पार्क में चले गए तो पता चले हैं हमारा रघुपति साहब है, अभी इट इज नॉट राइट प्लेस। आप सिगरेट कोई यदि नहीं पी रहा है तो कई सारा कारण हो सकता है, उसको मौका नहीं मिला, सिगरेट लेके घूम रहा, ठीक है ना। लेकिन आप अकेले भी हो और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, तो ये इसलिए करोगे क्योंकि आप परमेश्वर को, तो एक चीज यहां पर बताया गया सबसे लास्ट थी कि लालच, बाद बाकी 1 से लेकर 9 तक ये एक्शन में आते, लेकिन लालच जो ऐसा पाप है जो एक्शन में नहीं आता, ये हमारे विचारों में आता है, ये हमारे सोच में आता है। मैं यदि यहां से बैठ बैठ के लालच करूंगा तो कोई आप पकड़ सकेंगे? कोई पकड़ सकेगा? नहीं समझ सकेगा। आपका एक ध्यान लेकर के आता हूं, आप जरा सा गिनती की किताब निकालेंगे, गिनती की किताब 15 अध्याय और उसका 32 से लेकर 26 पद तक पढ़ेंगे, जरा सा पढ़ लीजिएगा। वहां पर मूसा द्वारा से दिया गया एक व्यवस्था था, शनिवार को दिन में कोई भी काम ना करे, है ना, सप्त के दिन में कोई काम नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्था दिया गया था, जरा पढ़ लिए 15 ये लड़की थी, हाँ, और हारून और सारी बंदरों के पास ले गए, उन्होंने उसको हवाला में रखा, क्योंकि
सिस्टर से क्या करना चाहिए वो प्रकट नहीं किया गया था, तब यहोवा ने मूसा से कहा वो मनुष्य बीच से मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथरवा करें। तो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पथरवा किया और वह मर गया। मर गया ना? अभी कोई है यहाँ पर जो लकड़ी चुनने जाएगा? है? लकड़ी कोई चुनने जाएगा अभी यहाँ के लोग? क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको मार का डर है, समाज का डर है, मूसा का डर है, रघुपति साहब का डर है, हमारे एल्डर साहब का डर है। आप ये सारे चीजों के साथ डरते हो, इसके लिए आप नहीं जाओगे। देखो अभी मार दिया ना शनिवार को लकड़ी चुनने के लिए गया, बाबा वैसे नहीं करूंगा मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो आप जो नहीं जा रहे हो, आपका नहीं जाने का मेन कारण क्या है? आप पत्थर से मरना नहीं चाह रहे, इसलिए आप नहीं घर में बैठे। परमेश्वर का भय मानने के कारण से आप रुके हो क्या? मेन चीज इसको चेक करना है। प्रभु जी चेक करके देख मैं आपका भय मानता हूं कि नहीं। मूसा को हो सकता भय मानता, एल्डर माँ पिताजी का भय मानते हो। जब मम्मी पापा चर्च में जब रहते हैं उपस्थिति में, बच्चा लोग एकदम सावधान रहते हैं और मम्मी पापा निकल गया फिर देखो कैसे है ना, होता है ना। मेन बात यही चेक करना, मैं अपने आप को कितना डिसिप्लिन प्रभु के साथ में प्रभु का उपस्थिति को जानते हुए मैं अपने आप को रखता हूं, ये जरूरी है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो क्या करना चाहिए, और यहीं से हमारा जीवन का आत्मिक जीवन का दिखाव होता है। यह अंदरूनी बात है, एक ऐसी बात है जब आप उसको मानते हैं तो आपके जीवन में निखार आती है, और यह चीज में आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। मैं आता हूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप मलाकी की किताब निकालेंगे, परमेश्वर इस बात के लिए बहुत गंभीर है कि प्रभु का भय माना जा रहा है। मलाकी 1:6-8 जरा उसको पढ़ लेंगे। इसलिए कोई भी चीज आप जब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही कारण के लिए आप नहीं कर रहे। कई सारे रीजन हो सकते, लेकिन आपको चुनना होगा कि मेन रीजन के लिए मैं चल रहा हूं। चलिए 1 पढ़ लिया जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो तेरे मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु ये चीज जानना चाहता है, तुम मेरा भय नहीं मानते हो, तुम मेरे साथ कैसे करते हो, मैं यदि बाप हूं तो मेरा भय मानना तुम्हारे अंदर में कहां है। आप अगर इस गंभीर बात को यदि ध्यान नहीं देंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में निखार नहीं है। मेरे प्यारो, एक व्यक्ति का ये भीतरी मसला है, ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इसमें क्रिया नहीं होती है। क्रिया होने से तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे इसके कारण से आप किसी चीज को नहीं करते होंगे। लेकिन ये जो बात है, लालच की जो बात है, ये लालच जो ऐसे पाप है जिसके बारे में कोई आपको पकड़ नहीं सकता,
और इस लेवल में गिरने के लिए ज्यादा चांसेस, क्योंकि बाहर का कोई भी लोग नहीं पकड़ सकता है, अगर कोई पकड़ सकता है तो परमेश्वर ही पकड़ सकता है, और खुद आप जानते हैं, और फिर दूसरा अगर जानने वाला होगा तो परमेश्वर होगा। इसलिए एक व्यक्ति परमेश्वर के पास में आकर के कहता है, प्रभु जी जरा सा चेक कर, फालतू वाला कोई भी चीज वायरस को समझा दो, डिलीट कर। ये मसला अंदर जो आज हम विश्वासियों को बहुत ज्यादा प्रभाव में डाल रहे हैं, अंदर में अलग प्रकार की बुद्धि चल रही है। हम उपस्थिति में तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बहुत सारी जगह में हम अवेलेबल हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, संसार की कितनी सारी बातों को इधर डाउनलोड करके रख रहे हैं। या हो, ये भी हो सकता है आप यहां पर भी बैठे बैठे ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं जो परमेश्वर के आईन के बाहर, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता हूं। ये अंदरूनी मैटर है हमारा और आपका विचारधारा, ये वो आ गया है उसमें लिखा हुआ, तुम पड़ोसी के किसी भी चीजों का तुम लालच नहीं करना, उसको पाने का आप प्लान नहीं बनाना, उसको चाहत नहीं करना। अगर मैं चाहत करता हूं जो मेरा नहीं हो, ये लालच किसको बोलते हैं, वही तो है जो मेरा नहीं हो वो चीज का पाने की इच्छा करते, इच्छा करके पाया भी नहीं है भैया। प्रभु ने तो बोला है कि एक स्त्री को गलत निगाह से भी देख लिया तो आपने पाप कर लिया। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम आपको नहीं छुआ था, हम इसलिए यहां पर बैठे थे ब्रदर, लड़की वहां पर बैठी थी उस ऑटो में, और बस जब ऑटो में बैठी मैं यहां पर बैठी, लड़की यहां पर बैठी, हम सटे भी नहीं। वेरी गुड, तेरा मन कहां था, मैं खुला बोल रहा हूं, अंदरूनी बातें प्रभु देख रहा है, आप क्या सोच रहे थे वो देख रहा। और इस तरह से यदि हम अपने आप को डिसिप्लिन करके नहीं रख रहे हैं, आपके मम्मी पापा को नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा, ये सीधा सीधा परमेश्वर और आपका मामला है। पाप अभी दसवां आज्ञा भी, नौ आज्ञा के बाद में दसवां आज्ञा, दसवां आज्ञा तोड़ने वाला भी पापी होगा, और एक पाप आपके अंदर में बीज के तौर पर आएगा, वो पाप गर्भवती होगी और बहुत सारे नाती पोतों को संभालो, पहुंचते रहना पाप फैमिली, पाप का परिवार, मुबारक, हैप्पी बर्थडे। इसलिए ब्रेक मारो भैया, ये बागवानी छोड़ दीजिए, ये पाप का बगीचा खेती मत करिए, वो बीज को मत लाइए कृषि बाजार से, दूर रखिए। आप रहेंगे ठीक, आपके बाल बच्चे, आपका पति पत्नी सब ठीक रहे, इसलिए कह रहा आपसी रिश्ता को एक साथ बैठ करके सॉल्व करो। एक बार पति पत्नी अपना हाथ पकड़ा एक दूसरे को तो लाइफ टाइम के लिए, ये दसवां वाला पाप जैसे ना हो, इसके लिए सतर्क रहिए। परमेश्वर तीसरा पर्सन, तीन धागों से बना हुआ लड़ी कभी टूटती नहीं, इसलिए आप, आपका पति पत्नी और परमेश्वर, उसको साक्षी रखकर परमेश्वर का भय ही आपको बचाए, वही एंटीवायरस है, वही है। कलीसिया में, मंडली में, परिवार में अगर वायरस नहीं घुसेगा तो उसका एक ही भय, एक ही चीज होना, परमेश्वर का पवित्रता मिटना है। तो हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति यदि परमेश्वर का भय मानता है तो उसके अंदर में क्या होना चाहिए, और तो उसको हम लोग देखेंगे अपने आंतरिक यानी कि भीतरी अवस्था को वो सुधार कर रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप अपने को दूषित नहीं होने देंगे, ये है एक पहचान। कैसे इसको कहें, क्योंकि पहला पत्रस में इस बात को लिखा हुआ, मैं तेरा बाप हूं, मैं पवित्र, तू मेरे बेटे हो तो तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा है ना रे। एक कल एक बहुत बड़े स्कॉलर से बात कर रहे थे, कहां कहां से दुनिया भर घूम कर गए, और ऐसा ऐसा मैंने बिना सिर पैर का बात कर रहा था, उसने भी मेरे को ताव दे दिया, यार क्या बकबक कर रहे हो, बड़ा प्यार से बैलेंस बना करके उसको दे रहा था,
लेकिन वो उस लायक नहीं था, उसको जो है पहले से घोड़ा दौड़ा रहा था, समझ नहीं उसकी आ रही। वो सीधे सीधे बोल रहे हम सब लोग परमेश्वर के संतान है। बोला तो कैसे 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 इसका बोलने का क्या आधार है? अरे सब हम लोग का समानता परमेश्वर के समानता में रचा गया, स्वरूप में रचा गया, तो हम लोग भी बच्चा है। बोले नहीं, किसने बोल दिया? अब अपने हिसाब से समझ लोगे नहीं होगा। अब सुनो एक नया बात, क्या हम सब लोग पूरे धरती में जितने लोग हैं सब लोग को तो परमेश्वर अपनी समानता में बनाए, परंतु सबके सब लोग क्या परमेश्वर के संतान है? नहीं है। सब लोग का पिता हो सकता है लेकिन सब लोग उस पिता का बच्चा नहीं हो सकता। देखो समझना, वो बनाने के कारण से, सृष्टि करने के कारण से सबका पिता हो सकता है, सबका पिता है भी, लेकिन सब लोग उसका बच्चा नहीं है। बच्चा बनने के लिए क्या होता? यूहन्ना एक का बार एक विशेष अधिकार के तहत उसको बच्चा का टाइटल, बच्चा का मोहर, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, जितनों ने उसके बेटे को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का तब अधिकार मिलता है। परमेश्वर का संतान ऐसे जन्मा दिया है, आप संतान नहीं है, आप परमेश्वर के जस्ट एक सृष्टि है, पापी है, दूर में बैठा हुआ है। नजदीक आने की कोशिश मत करो। दस कुंवारियों में से पांच कुंवारी ने बहुत मेकअप करके सोची हम भी घुस जाएंगे। अरे चल, बोले नहीं, दस पांच लोगों को तो आप अंदर किया, पांच लोगों के हम लोग को क्यों सर? हम लोग का बरन उससे भी ज्यादा अच्छा मेकअप है। और वो बोला इसी के लिए तो तुम लोग बाहर। ज्यादा मेकअप करने के चक्कर में जो पहले मेकअप करना था, तेल लेना था एक्स्ट्रा, जब वो लोग तेल ले रहे थे तुम क्या तेल बेच रही? अरे तेल उसमें कुप्पी में तेल डालना है कि तुम यहां पर तेल मालिश कर रही थी? रहो उधर बाल, चलो बुद्धिमानी होना, तैयारी सही करो, जिस समय जो तैयारी करना उस समय करो। तो सब लोग आप विवाह का ड्रेस पहन करके जाइएगा तो सोचिएगा सब लोग घुसा लेगा। उधर देखो छटा गया, डिस्क्वालीफाइड, हवा ने। इसलिए इतना बारीकी चीज है, आप तो घुस तो गए हो लेकिन घुस गए हो अभी इस डंटा चलेगा। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इजी है, लेकिन इजी रूप से लेना पड़ेगा। जो कहे वही कर। प्रभु की माता ने भी यही बात को विवाह के बाद, अरे कहेगा जो कहेगा वही कर, आप करेंगे। तो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। बोले क्या है? नहीं आप कुछ बोलने वाला, इसीलिए आप सुनेंगे, अच्छा से सुनेंगे, आप जो कहेंगे वही करना। माता जी ने बोला पानी भर जाओ, पूरा पानी मुहा मुंह भर करके बोला भर दिया। कोई इसमें मिक्सी नहीं करना, नींबू निचोड़ना नहीं, उधर रसना मत डाल, चीनी मत डाल, वो हम देख लेंगे, जितना बोला उतना कर। क्या? यस कर दे। अब चेक करने के बोलो, टेस्ट करने बोलो, जबरदस्त। प्रभु के कार्य में ही आपको चमत्कार मिलेगा, लेकिन आप उस तरह से कर रहे हो तब तो ठीक है। इसके लिए परमेश्वर का संतान होने के नाते हम लोग को अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। हम परमेश्वर के लिए इसको हम दूषित नहीं कर सकते, इसलिए हम परमेश्वर का भय मानेंगे और अपने आप को अलग रखेंगे। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। भीतरी बात को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जो भीतर में रहेगा वही आपको बाहर में दिखेगा। आपकी आंख कैसी है? आपकी आंखें आंख को बोलते हैं ना, ये गेट है, गेट में ये पर्दा लगा करके आप चलते हैं ना, ये क्या ये पर्दा, सोच रहे कि पर्दा से पर्दा फाड़ करके घुसेगा, ये क्या है? आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाप का प्रवेश द्वार है, इंडिया गेट बोलते हैं ना, इसे गेटवे ऑफ सीन है ये वाला। पाप का प्रवेश द्वार आंख को बोला गया है, इसमें पर्दा घोड़ा जैसा चश्मा लगा, घोड़ा का चश्मा देखिए, घोड़ा का चश्मा ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता दोनों तरफ, इधर उधर नहीं रहता,
मैंने अपने आंख के ऊपर में वाचा बांधी है। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लोगों को बंगला में सिखा छोटो चोक की देखे है ना, ऐसे क्या सिखाते सावधान छोटी आंख क्या देखे, ऐसा गीत है हम लोग बच्चों को सिखाते। आंख की पवित्रता, इतने सारे आंखों के कारण से फंस गए और जीवन बर्बाद हो गया। जिसको नहीं देखना चाहिए था उसको देखा और फंस गए, और ऐसा फंस गए कि नहीं वो सर आंख मारने के कारण से जिंदगी बर्बाद हो। आप क्या सोच रहे हो, आंख को, आंख को क्या समझ रहे? इसलिए ये प्रैक्टिकल बात हम बोलेंगे, आपका भाई बोल रहा है, आपका परिवार का लोग बोल रहा है, मैं ये बात अपने लोगों के लिए नहीं बोलूंगा तो क्या अन्य जाति के मुंह से सुनेंगे? मैं आपको क्योंकि यही है आपका ओरिजिनल ब्यूटी पार्लर, यही है गैरेज, यही है आपका रिपेयर होने का वर्कशॉप, यहां पर होना बेटा। अपने आप को पवित्र रखना, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगी, क्योंकि दागी वस्त्र को, दागी पात्र को इस्तेमाल नहीं करते, करते हैं क्या? मरियम को इस्तेमाल, बेटी तेरा कोख चाहिए, इस्तेमाल करना है, परमेश्वर का एक योजना पूरी। मरियम ने लो यस आई एम रेडी, गीत गाना शुरू कर दिया, मैं धन्य हूं। उसको बोला गया तेरा पति क्या बोलेगा? कुछ भी बोलेगा, आपको इच्छा पूरी होना है, मेन बात है आप प्रभु है, आप मालिक है, इस कोख को पैदा करने वाला वो मालिक इस्तेमाल में करेगा, इसके लिए मुझे किसी को पूछने के लिए दरकार नहीं। कितना अच्छा बात, यूसुफ को भी वो एक समय डाउट हो गया क्या करेंगे, धर्मी होने के कारण से अपनी उस मंगेतर पत्नी को छोड़ने का विचार कर रहा था, परमेश्वर ने बोले जाओ उसको मिल से तो ऐसा नहीं रहे। ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ठीक है, हम जारी करेगा कितना अच्छा था। परमेश्वर के नाम की महिमा। उस डायलॉग्स के बाद में यूसुफ के बारे में और कहीं भी सुनने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो सुनने के लिए मिला यस आई एम रेडी, थोड़ा बात नहीं है, एक गर्भवती पत्नी को, एक गर्भवती स्त्री को आप शादी करने के लिए जा रहा है, ये छोटी बात है। समाज क्या बोलेगा, आपके मां बाप क्या बोलेंगे, किसको किसको ये बताइएगा राज की बात को, आपका वो परमेश्वर का मामला है, दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि मैं उसका भय मानता हूं, मैं आगे आप उसका भय मानते हो तो सारे चुनौतियों को इसलिए लेकर के अपने आप को शुद्ध रखेंगे, दागी नहीं बनाएंगे। मेरे प्यारो यही तो परमेश्वर का वचन में बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, हम लोग ये कलीसिया उसकी दुल्हन है, उस दुल्हन के चेहरे में किसी प्रकार का शिकन ना हो, कोई दाग धब्बा झुरी ना हो, इसके लिए तो इन सारी चीजों से अपने आप को तैयार करने के लिए रखा है। और इसका सबसे पहला बात यह है, हम परमेश्वर का भय मानें, अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें। यह अंदरूनी बात है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बाकी सारी बातें आप पकड़े जाएंगे, आप उसको जानबूझ करके सतर्क रहेंगे, इसलिए कि लोग जान लेगा, लोग समझ लेगा, इसलिए आप उसको मानते होंगे। परमेश्वर का भय हो सकता है तब पर भी आप नहीं मानते, ये भी हो सकता है, ये सारे चीज कर रहे होंगे फिर भी ये इसके कारण से प्रूफ नहीं होता है कि आप परमेश्वर का भय। परंतु आप जब अपने आप को शुद्ध रखते, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूसुफ के बारे में सोचिए, यूसुफ पुराने नियम पर, यूसुफ उसके घर में कोई एल्डर था, उसके पास में मम्मी पापा थे, गांव का भी कोई लोग था, उसके लिए पाप करना तो सबसे आसान था, मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई एल्डर नहीं, कोई चर्च का आदमी आसपास, हमारे देश का उधर कोई नहीं, मैं पूरा अकेला, मुझे कौन पकड़ लेगा, मुझे कौन पकड़ेगा, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन वो फिर क्यों अपना कपड़ा को फटने दिया, अपना कैरेक्टर को बचा लिया, यस अपना कैरेक्टर को बचा लिया, बरंग कपड़ा फटेगा तो फटने दे। लेकिन आजकल का जिस जो ट्रेंड चल रहा है ना, कैरेक्टर को फाड़ने के लिए कपड़ा फाड़ करके चलते लोग, फटा वाला कैरेक्टर को भी फटने दो, इसलिए कपड़ा को फट फटावा कपड़ा पहन करके चल, खरीदते भी है ये भी कपड़ा देखो, नहीं नहीं ये कम फटा, ज्यादा फटा हुआ, आज चल रहा है मार्केट में ये चल रहा, अरे क्यों नहीं लिया, वो अच्छा ड्रेस था, वो थोड़ा सा फटा था, इससे थोड़ा सा ज्यादा फटा होता तो लेते, आपके घर में आपके दुकान में इससे भी बड़ा फटा हुआ है, नहीं है नहीं, अरे चल रहे दूसरा दुकान चल रहा है, कैसा विचार, हम संसार के थ्योरी को लाएंगे,
हम क्या ऐसे बच्चों को देंगे? हमारे बच्चे लोग बोलेंगे मम्मी प्लीज 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 इस बार बर्थडे में आप देंगे मम्मी इस बर्थडे में? हाँ क्या कपड़ा? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो मेरा अच्छा लाल बेटा है, तो मेरा लाल है, तुम्हारा पीला नीला सब है, एक ही तो है मेरा बेटा, भाई तुम्हारे लिए क्यों नहीं दूंगा? लेकिन मैं मम्मी मैं स्पेशल कपड़ा, अच्छा कैसे नहीं हमारा रोहित हुआ जो कपड़ा लिया था, प्लीज प्लीज कैसे कपड़ा लिया ना वही वाला थोड़ा फटा हुआ। आप अपने बेटे से कितना प्यार करते? बहुत ज्यादा। ओके तो प्यार करते हैं तो फटा वाला तो खरीदेंगे ही ना, उसको गला फाड़ मैंने उसको पार दो, चाटा लगाओ, छड़ी से पिटाई करो। प्रभु बोला जो अपना बच्चा को पीटता नहीं ना वही उसका पहला शत्रु वही है। आपका एक तो बेटा इकलौता बेटा है तो लाल मत हो जाइए, अभी लाल कर दीजिए उसका गाल, नहीं तो आपका गाल लाल हो जाएगा। आपका बच्चा का रोने के लिए आवाज अभी सुनने के लिए ममता में ही ज्यादा मत बनाओ, मेरे एक ही लाल है उसको हम कैसे मारेंगे? मारो उसको, मार खाने का टाइम है वो, मारो आज उसके आंसू देखने के लिए। यदि तुम उतना ममता दिखा रही ना तो कल तुम्हारा आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं, बहाते रहना आंसू बैठ बैठ करके छत पे। इसलिए दो झाप लगाओ उसको, अरे दोबारा कान उठो बैठ उठो पकड़े कान उठो उधर वाला दोस्त कौन है रोहित, रोहित के साथ कब देख कौन सा स्कूल पढ़ा उससे नाम कटा करके यहां पर देंगे पशुपति वाला में देंगे। चेंज करो उसको, समझ रहे ये वाला नहीं चलेगा, नहीं मम्मी अभी दोबारा कभी नहीं। मैं तो कहता इसके बाद बर्थडे नहीं मना। बहुत अच्छा, ये सबक को देना पड़ेगा हमें, बच्चे लोगों को सिखाना हो, बच्चे को उस मार्ग में शिक्षा दीजिए जिस मार्ग में उसमें उसको चलना हो। कई बार हम बच्चे को बच्चे के उम्र में जो मारने का जो उम्र है ना हम लोग समझते नहीं जानते नहीं है, उस समय नहीं पिटा करके जब बड़े होते उस समय गलत टाइम में उसको पीटते हैं। कई बार बच्चे लोग भी मम्मी पापा को भी दे देते हैं। तो फिर बाबू ब्रदर प्रार्थना करिए क्या हो मेरा बेटा हमको दे दिया। हम बोल रहे अभी उसको कितना उम्र है? 18 साल। अरे 18 साल में तुम क्यों मारने के लिए गया यार? तुमको भी यार मारने के टाइम में बचपन में मारो और थोड़ा थोड़ा ठपक ठपक ऐसे नहीं मारो, एक बार मारो और ऐसा मारो कि मतलब उसका स्कैन हो जाए, दिखेगा दूर से। और लास्ट और बार बार जब गलती करता है ना उसको खाली उसी साइन का जो उछल गया है ना पूरा दिख रहा है उसको खाली याद दिखा बेटा चाहिए क्या? नो 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 मुझे याद है, यू फॉरगेट दैट नो 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 याद मुझे याद। कुछ लोग जो है ऐसा नहीं करते, चलो छोड़ जाओ वो गलत है क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट, वो तो कर लिया मेरा, अगर मैं गलती करता हूं तो मेरा पापा मम्मी कितना मारेगा इतना मारेगा, वो पहले से सेट कर लिया। कई बार ज्यादातर कहां मारती है तो यहां मारती है, अच्छा तो ठीक है थोड़ा सेट कर लेता तो अपने से पहले उसको मालिश कर लेता। हाँ ठीक है ये गलती करते हैं मारेगा तो यहीं पर, ओके हम सेट कर लेते हैं, बस सेट करके मम्मी मेरे से वो ले मार। आपका कोई असर नहीं, मालूम है ये बच्चे लोग आपको दिए गए दान आपके नहीं है, आपको अमानत के तौर पर दिया होगा, आपको लौटाना होगा, आपको बताना होगा, आपको पूछेगा बच्चे कहाँ है, बच्चे को मेरे पास आ, बच्चे तो उड़ गए चले गए कहाँ भागे, बच्चे लोग भागे, मैंने तुमको बच्चे दिए थे वो बच्चे मेरे थे कि तेरे थे? मेरे थे, मैं तुम्हें दान स्वरूप दिया था। यहोवा बच्चे क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, आपने उसके साथ क्या किया? बच्चे जब थे उम्र में उस समय तो पूरा तरह से आपका कस्टडी में था, आपने मेरे बारे में बताया कि नहीं, मेरा भाई के बारे में बताया कि नहीं, क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों भाई नहीं माना? तुमने अगर भाई माना होता बच्चों लोग उस भाई को देखते और वो सीखते। मैं आपको बताऊं ये जो है भय बच्चे लोगों के अंदर में दिया गया है दो प्रकार का, ऊंची आवाज छोटा बच्चा है ना इससे भी जितना छोटा रहेगा उन लोग सीखा हुआ भय जो पहले से डिवाइस में ऑलरेडी डाला हुआ है, दो प्रकार का सिस्टम।
ऊंचा आवाज अगर आप कह देंगे तो डर जाएगा, जैसे बच्चा सो तो ये भय को सिखाने के लिए दरकार नहीं, उतना वो जानता है, वो भय ऑलरेडी परमिशन उसको डाला है। उसके सामने में पटका पटाखा जो होता है क्रैकर्स, अब जला करके उसको सिखाने की दरकार नहीं, हेलो दिस इज क्रैकर्स, अभी मैं इसमें लाइट मार रहा हूँ और उसको ऐसे बहुत ज्यादा आवाज करेगा, उस समय डरना है ना। ओके आर यू रेडी, और ऐसा करने की दरकार है क्या? नो, आप लगाओ देखो डर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का भय आपको यह सीखना पड़ेगा, ये क्रैकर चलाने से वाला भय नहीं, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, बेरोजगारी का भय, नौकरी नहीं मिलने का भय, ये सारा भय आपको परिस्थिति सिखा देंगे। लेकिन परमेश्वर का भय कोई आपको सिखाएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर के क्लास में, क्योंकि ये सारा भय का बाप है परमेश्वर। और मैं तो कहता हूं सारा भय को छोड़ी दीजिए, एक भय परमेश्वर का भय सारे भय को दूर करता, सही है कि नहीं? आपको इधर उधर भय मानने के लिए दरकार नहीं, भैया नौकरी चला जाएगा, नौकरी जाने का भय, कोरोना आने का भय, क्या क्या भय, कितना सारा भय मानिएगा, उससे अच्छा आप एक भय मानो, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच परमेश्वर का, खुली आंखें एकदम साफ सुथरा, कोई भी डाउट नहीं कोई करेगा, पवित्रता के साथ, ये सब परिवार में हो और परिवार से शुरुआत करना है, परिवार का लोग ही सही गवाही देगा, सबसे बड़ा क्लास सुधरी है गवाही, आप स्टेज गवाही देने का जगह नहीं है, सबसे अच्छा जगह है आपका परिवार, परिवार में आपकी गवाही बनी है, आप स्टेज में बात करो, यहां भी परमेश्वर देख रहा है, अगर प्रभु पाएगा रजवार तू इतना बड़ा फेंक रहा है, तू मेरा भाई नहीं मानता और तू भाई के बारे में बोल रहा है, सबसे पहले मेरे को गिरफ्तार कर ले, बोलेगा तू कोना में आ, मैं बताता हूं, मैं डर मानता हूं और मैं डरता हूं क्योंकि मैं जानता हूं प्रचार करने वाले जो शिक्षा देते हैं लो डबल जवाब देने वाले, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इतना मोटा बाइबल में कितने सारी बातें बोलने के लिए था, लेकिन सबसे गुरुत्वपूर्ण सोच करके मैं प्रभु लास्ट में क्या बताऊं, मैं बोला ये बोल, ये बोल करके इसको बचा कर रखा, वो बात को उसने बताऊंगा। प्यारे भाई बहन वही आपके परिवार को बचा करेगा, सबसे बड़ा गार्ड का काम देगा, सबसे बड़ा सुरक्षा का गार्ड यही है, कहीं भी रहो, हॉस्टल में रहो, अकेले रहो, दुकेले रहो, कुछ भी रहो, लेकिन आपके पास में यदि ये भय है, मुझे देख रहा, यूसुफ ने भी बात को कहा, मैं परमेश्वर, परमेश्वर कहा है, तुम्हारे बाप दादे नहीं है यहां पर, तुम्हारे घर के कोई नहीं है, तुम यार अभी देखो मार्केट में भी इतने सारे माहौल, आपको शैतान का जाल इतना बिछाया है, मैं बात कर रहा था जवानों को भी, मैं ऐसे बात कर, अच्छा एक बात ये नहीं, जवान और छोकड़ा का बात नहीं है, छोरा छोरी की बात नहीं, बूढ़े लोग से भी पाप हो सकता है, मैं बूढ़े बूढ़ियों के लिए भी बोल रहा हूं, पाप करने के लिए कोई उम्र नहीं है, कभी भी हुआ जा सकता है। उसने उसने को बोला मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप करूं, नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। चलिए कसरत करते हैं, एक गेम, कोई पराज नहीं मिलेगा, हंसना पाप है कि नहीं है, मुस्कुराना, कोई फटाक से जवाब दे सकता है, गलती है तो मैं सुधर, डरो मत इतना, मैं बोला ना बाकी बेकार का डरो मत, प्रभु का डर मानो, मुस्कुराना पाप है कि नहीं, ये प्रोफेसर साहब का उत्तर एकदम जबरदस्त, सही है भाई पूरा 100% और वही उत्तर, ये परिस्थिति के ऊपर में है, किसको देखकर के मुस्कुरा रहे हो ये पाप होगा, पति के लिए भी हेलो आई लव यू इलू इलू तो वो सही है गुड, और पादरी साहब भी आपको तो दोनों हाथ उठा करके इसी काम के लिए आपको आशीर्वाद भी दिया कि दोनों तुम लोग दोनों दो शरीर नहीं हो एक शरीर हो एक तन हो, वेरी गुड,
फॉलो फॉलो आगे बढ़ो, प्रेज द लॉर्ड। ये मशीन ठीक काम कर रहा, इलू इलू बोल रहा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम लोग इसीलिए तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वेरी गुड। ब्लेस्ड फैमिली, आशीष पाया हो परिवार, लेकिन इसको छोड़कर के कहीं दूसरे जगह सेम मुस्कुराहट एक पत्नी पति के लिए देती है, सेम मुस्कुराहट खिड़की के बाजू वाले के साथ में भी, हाय हेलो कैसे हैं, अरे वो कैसा भी रहे तुम अपना परिवार देख, तुम्हारा उतना की क्यों चिंता, ये मुस्कुराहट इनवैलिड मुस्कुराहट, दाग लग जाएंगे। केयरफुल, पहली नजर गुनाह नहीं है, पहली नजर गुनाह नहीं है। कोई भी ऐसी परिस्थिति में आपने देख लिया, परीक्षा वाली बातें, चलो मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूं, किसी बहन का दुपट्टा उड़ गया और आप उधर ही देख रहे थे इत्तेफाक से, तो आप बोले जी अरे यार क्या मैं देख लिया, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। लेकिन अभी आप के अंदर में जो विचार आया, उस विचार को आप एलिब्रेट कर रहे हो, उस पर आप परिवार जैसा बसाने के लिए चाह रहे हो, नहीं एक्चुअली जिस लड़की का दुपट्टा एक्चुअली कौन है, क्या हमारे पाड़ा के, फिर से देख, नहीं नहीं वो नहीं एक्चुअली है, कर कोई भी होगा, तेरा बाप का क्या रे, निकल तेरा बाप का क्या है इसमें, पहली नजर पाप नहीं है, आपने जो दोबारा मुड़ मुड़ के जो देखा ना वो फंस गए, संसार के सब लोग आपको फंसाने का चक्कर में, मेरे प्यारे ये परमेश्वर का भय ना रहे इसके लिए चारों तरफ से इंतजाम किया हुआ है। आओ ऐसा ऐसा गीत आया है ना, आओ करें गलती से मिस्टेक करें, और उसमें हमारे नौजवान लड़का लोग नाच भी रहा, आओ हम लोग यही उम्र है, यही उम्र है गलती से मिस्टेक करने का उम्र है, ये गाना के साथ नाच रहा है, हमारे बच्चे लोग क्या करें, हमारे बच्चे लोग का दायरा क्या है, आपने हमारे बच्चों के लिए क्या सीमा रेखा डाला है, हमारे बच्चे लोगों का ड्रेस क्या है, आप लोग किस तरह से ड्रेस को आप देते हो, हम लोग क्या इस बारे में गंभीरता है, क्योंकि ये विचारों का विचारों पर हमला किए जाए। एक चीज परमेश्वर का भय, आप अपने विचारों में बने रखते हैं आप शुद्ध अपने आप को बनाए रखेंगे। जल्दी से एक दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हम लोग देखेंगे, दूसरा बात अपने आप को क्या करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका एक पद यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बात आपको मिलेगा, आप हर समय अपने आप को यह जान के चलना है कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर यहां पर है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाएंगे तो आप पाप से बचे रहेंगे। भले ही आप अकेले एक उस कमरे में अकेले हो कोई बात नहीं, लेकिन आप पवित्रता के साथ में समय को बिता सकते, क्योंकि आपके पास में बड़ा सुरक्षक है। बेटा बेटी मेरे उपस्थिति में चल और क्या बन जाओ, सिद्ध परफेक्ट। और यही काम करने के लिए तो हम लोग यहां पर इस धरती पर पाए जाते हैं। मैं जैसा सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो, और धीरे धीरे करके तो हम लोग वही परफेक्शन में जा रहे हैं। अंश दर अंश पर डे हम लोग का बदलाव हो रहा है, लेकिन ये चेक करने वाली बात है क्या हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। बात बाकी सारे चीजों के लिए तो चेक करवाए, देखो ना भैया प्रेशर कितना है, लो है, क्या है, कोरोना है कि नहीं, पूरा नाक में चेक करिए, चेक पूरे डाल जंदर डालिए। आपका भय के बारे में चेक कभी कराया? तो ये मेरे भाई बहन ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर यदि आप स्लिप गए, आप यदि फिसल गए तो कितना नीचे जाओगे ना उसका अंदाजा नहीं लगा। चलिए हम लोग ऐसा परिवार का निर्माण करें, इस परिवार में क्या फर्क पड़ता है, संसार के जैसा खुशियां नहीं मना पाए, संसार के जैसा डीजे हम में डांस नहीं कर पाए, बनाओ डीजे, आत्मिक बातों में आनंद बनाओ। प्रभु ने तो दो बार बोला एक ही पद में, अरे मैं आनंदित रहो, मैं
फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो आनंदित रहने का क्या क्या डीजे में डांस करना ही आनंदित है। बात बाकी सारा डीजे, मैं तो कहता नरक में जो डीजे लगेगा ना वो लास्ट टाइम तक बोला बेटा अच्छा नाचा है, शुरुआत किया प्रैक्टिस किया बहुत अच्छा है, अब ओरिजिनल फाइनल लगे रहो। और वो घड़ी वहां पर नहीं रहे, घड़ी का सारा कांटा सब निकाल दे, कोई टाइम नॉन स्टॉप बेटा लगा रहा। नरक में क्या होगा, क्या होगा, तड़पना और क्या दा। मैं तो ऐसा बोलता हूं मैं बच गया भैया, कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा अच्छा है मैं बच गया, मेरे पास दांत नहीं है। मैं आपको बताता हूं भैया लिखा हुआ दांत पिसना होगा, अगर आपके पास दांत नहीं, मैं तो समझता हूं वहां पर एक ऐसा काउंटर रहेगा, हेलो नंबर बी कम, आपके पास दांत है, नो एक सर उसको दांत दिया। क्योंकि अनंत काल बिना दांत के नहीं जा सकते, आपको वहां जाना पड़ेगा और शुरू करो स्टार्ट करो, वहां तड़पना हो रहा है, पूरा डीजे हो रहा है। और बोल रहे नहीं खाली डीजे नहीं, आपको दांत दिया है ना उसको भी चला करते रहो। आप क्या समझ रहे, कोई दरकार नहीं है, हम संसार के नहीं है, संसार की कोई खुशियां आने के लिए दरकार नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कर चर्च के एल्डर्स के सामने इस प्रस्ताव पर रखिए, मेरी बेटी पास हो गई नौकरी मिल गई, आप तय करिए इसको हम एक आनंद का माहौल देना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप। एक राजा स्तर के किताब में मोदक के क्या बोलते हैं हमान, हाँ नाम ये हमान है ना, हमान को पूछा अरे हमान सुन तो राज, क्या राज, अरे सुन ना मेरे मन में ना थोड़ा एक बात चल रहा था, मैं सोच रहा था कि एक सम्मान के लिए वो रैली निकालने के लिए सोच रहा था। ओ वेरी गुड, गुड आइडिया सर, मेरे पास एक्चुअली रैली का जो है ना, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम किया हूं, मेरे पास में डिफरेंट टाइप का आइडिया, मैं दूं क्या। हाँ वही तो मैं पूछने के लिए बोला, बोलो ना क्या करें कैसे। सर जी मैं तो बोलता हूँ ना सबसे अच्छा है ना कि आपका घोड़ा निकालो, रथ जो है ना उसको बैठाओ, और सर आपका सारा जो मुकुट उकुट सारा ड्रेस है ना इसको पहनाओ, और जो है इसके साथ एक ऐसा रैली बनाओ, आगे तरफ जिसका आप सम्मान करना चाहते हो वो रथ पे रहेगा, और आगे तरफ एक टोली रहेगी और उस व्यक्ति का जय जयकार करेगा। वो सोच रहा था बेटा मेरे मुझे तो आदर करना चाहेगा और मैं मुझे छोड़कर कौन होगा, और इसलिए पूरा फेंक करके जितना भी अच्छा चीज था उसने बता दिया। राजा इस बात को सुनकर यार गजब का आइडिया तुम दिया, एक काम कर सबको मैं अप्रूव करता हूँ साइन करता हूँ लो और मोहर मार देता हूँ, और एक काम कर तू यार उस मदरके के लिए कर ले, पूरा फ्यूज हो यार मैं अपने लिए सोच रहा था, मैं सोचा मेरे लिए ऐसा कर रहा। राजा वो उसके बाद बोला जाओ घोषणा करो, राजा जिसको सम्मान करता है ना ऐसा ही होना चाहिए, इसमें से थोड़ा सा भी माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस करो माइनस नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों मदर के को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, क्योंकि वो बिलाप उसने सर के ऊपर में छाई और एक रोना उस परिस्थिति से होकर किया, उन्हें सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया। मदरके के ऊपर में हमान के साथ में दुश्मनी का कारण क्या था, एक सलाम, सलाम ठोकने का ही बस डिफरेंस था, वो सलाम नहीं ठोकना चाहता, मैं ये सर एक जगह झुकता है बार बार, ये इलास्टिक नहीं है भैया सब जगह झुक सर जी नो, प्रभु ने बोला नहीं झुकने देना केवल मेरे सामने झुकेगा, ये झुकना नहीं सब जगह नहीं झुकना, इसलिए इसमें चाहिए अगर झुकने का यदि ज्यादा आदत है इसमें लकड़ी मांग। बहुत सारे लोग का वो गर्दन में देता ना वो क्या देता है सर, क्या देता है ना जो भी देता है। तो प्रभु बोल रहा है ये सब इस बिलीवर के साथ जब देना है, सबको बिलीवर के साथ में रहना, जहां झुकना है बस केवल वहीं पर झुकना है। मदर के इस बात के लिए नो नो नो, मैं एक ही परमेश्वर का भय मानता हूं, इधर उधर नहीं है सवाल नहीं, परमेश्वर ने उसको सम्मान किया कि उस एक व्यक्ति के कारण से पूरा यहूदी जाति बच गया, जरूर उसने स्तर का भी उसमें योगदान था।
आपके अच्छा चाल चलन चलने से मेरे प्यारो भाई बहन लोग कौन आप हो सकती हैं? आपका आइडेंटिटी, आपका आदर्श को देख करके कौन सा परिवार को बल मिलेगा, मिल रहा है, आप नहीं समझ सकते। आपका जो मीठा वचन, आपकी जो उपस्थिति, आपकी जो मुस्कुराहट, आपको ये जय मसीह बोलना, आप नहीं समझते हैं इसका असर कितना बड़ा। मलहम पट्टी का काम करता है ये सामरी उस व्यक्ति के समान। देखिए, जब एक रास्ते में एक घायल व्यक्ति को मिला है ना, तो जिसको उसके ऊपर में दया दिखानी चाहिए थी, जिसको ऑलरेडी लाइसेंस मिला था, याजक लोग थे, शास्त्री लोग थे, लेवी लोग थे, ये लोग ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा से अप्रूव किए लोग थे कि ये लोग दया तो दिखाना ही चाहिए, वे लोग किसी ने दया नहीं दिखाई। और सामरी लोग के बारे में बोलते हैं कि ये लोग तो बेकार वाला। उस व्यक्ति ने मलहम लेके गया, उसके बैग में मलहम था, उसके बैग में बैंडेज थे, मलहम पट्टिया थी, इसके लिए लेके चलते। क्या आप अपने आपके बैग में क्या लेके चलते? आप जो इतने मोटे मोटे वैनिटी बैग लेके जा रहे हैं, कंधा वाला बैग लेके, क्या है? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं उसमें बहुत सारा मलहम लेके चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है हम दूसरों की भी चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक परिवार का गठन करेंगे और अपने आप को उस भय में शामिल करेंगे। इधर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, ऐसा चलेंगे परमेश्वर हमारे साथ में है। ये बात क्यों हम लोग भूलेंगे? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब क्या? मैं साथ साथ रहूंगा, मेरे उपस्थिति में इस एहसास के साथ चल, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि तू मेरा प्रेम है। किधर देख रहा है? तुम्हारी नजर किधर है? क्या सोच रहा है? ये सारा चीज प्रभाव किस बात के लिए होगा? मेरा बाबूजी देख रहा है, क्योंकि उस बाबूजी के साथ में रहकर क्या कोई हरकत करेंगे? दानियल साहब बाबूजी के साथ में एकदम सावधान, पता चले अपने पापा निकल गया, मुझे पता चला अभी तक बैठा हो, है ना। तो आप समझ जाइए कि जब पापा का एहसास हमेशा जब बना रहेगा, तो जिस तरह से बच्चे लोग अनुशासन में रहते हैं, उसी तरह से ये एहसास हमेशा बने रहना चाहिए। और लास्ट एक बात बोल करके खत्म करेंगे कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर का भय मानता है तो उसके जीवन में और एक क्या होगा? पहला बात हमने क्या देखा? अपने आप को शुद्ध रखेगा, अपने आप को कोई गंदगी में फंसाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। तीसरा और अंतिम बात समय को मन में रख करके आप निकाल लीजिएगा, प्रोवर्स नीति वचन 8:13 और इसके द्वारा से रियली परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। और 8:13 यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है, घमंड और अहंकार बुरी चाल से और उलट फेर की बात से मैं भय रखती हूँ। ठीक है, 16:6 भी पढ़ लीजिए। अधर्म का प्राचीन कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई से बचना, इस 8:13 में हम लोग पा रहे थे क्या? बैर करता है, बुराई से बैर। मैं एक बार ये भी बताता हूं, जरा समझिएगा, प्रेम कौन कर सकता है? यदि ये सवाल आपके सामने रखूं तो अच्छा जवाब इधर से आ सकता है, हु कैन लव? ये इस सवाल, ये बड़ा सवाल है क्या? ये सवाल के लिए कितना डिग्री पढ़ना चाहिए? लव कौन कर सकता है? सब लोग कर सकता है? ये प्रोफेसर प्रोफेसर जैसा जवाब हुआ, मैं समझता हूं सब लोग को समझने लायक वाला दीजिए, सिंपल बोल रहा हूं, बहुत ऊपर मत है ये, एकदम सिंपल। प्रेम कौन कर सकता है? प्रेम अच्छा छोड़, एक दूसरा इसी के पैरेलल दूसरा, पूजा कौन कर सकता है? पुजारी वाला ना। आराधना कौन कर सकता है? भारी बात, एक आराधक आराधना कर सकता है, ए वर्शिपर कैन वर्शिप,
एक पुजारी ही पूजा लव कौन कर सकता है? लवर, लवर के लव। मैं डुप्लीकेट लव का बात नहीं कर रहा, पिछले दिन बताया ना चांद तारे तोड़ के लाता और उसी के चक्कर में भाग गया गुजरा, अभी तक कोई तारा नहीं कुछ भी। लवर कैन लव विदाउट बिकमिंग ए लवर यू कैन लव, इसलिए जरूरी लव। लेकिन लव कौन कर सकता है इसका दूसरा पार्ट, पार्ट टू, लव कौन कर सकता है? फर्स्ट पार्ट में क्या है? लवर कैन लव, दूसरा पार्ट ये है इसका बी साइड। हेट करने वालों को क्या बोलेंगे? हेटर्स बोलेंगे। ए गुड हेटर्स कैन लव, इसको भी थोड़ा सोचिए। ए गुड हेटर्स कैन लव, एक अच्छा लवर बैर करने वाला, अच्छा बैर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इधर देखिए लिखा हुआ है आठ का तेरा, लेकिन किससे बैर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए? बुराई से बैर करने वाला। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर से कहे डियर लॉर्ड आई लव, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और फिर बाइबल का एक वचन है शत्रुओं से भी प्रेम करो, बोला है ना। अब शत्रु को ने सबसे बड़ा शत्रु शैतान, शैतान इधर, शैतान को भी सेम बोले शैतान आई लव, गुड लवर। देख लिया, मैं बता दिया ना, बुराई से दूर रहना होगा, आपको घृणा करना पड़ेगा, आपको हेट करना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा उसको। जब तक आप शत्रु नहीं बनेंगे मित्र बन नहीं सकते, अगर आप दुश्मनी नहीं करेंगे तो मित्रता होगी नहीं, जब तक आप बैर नहीं करेंगे आपसे प्रेम करना होगा ही, क्योंकि डुप्लीकेट प्रेम हो जाएगा। देखा ना, मैं बता दिया, अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो उस तरह का प्रेम किसी से नहीं होना है, आपको बैर करना ही पड़ेगा। ये बोलेगा ये मार रहा है तो उसको बोलेगा तेरी पिटक बैर रखना ही पड़ेगा। ये बिना किए हुए ये सही प्रेम का बखान, उसका जो निखार नहीं आएगा। इसलिए हम सब लोगों के साथ वही फ्रीक्वेंसी में प्रेम नहीं कर सकते, दो जन से प्रेम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर और धन धन दो दो ही तो है ना, बोला मुझसे एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, वही तो बोला। इधर भी पांव दबा रहा है, आप भी मेरा है स्वामी है, पांव दबा दिया उसका भी, अरे तुम्हारा कितना स्वामी है यार, कितना स्वामी है, आठ घंटा देने के लिए तुम तो कमिटमेंट मुझे किया था, आठ घंटा से फांकी मार मार के दूसरा का भी पेड़ दबा रहा, मेरे डबल हाजिरी बना रहा है तुमको, गलत है, गलत। पूरा कमिटमेंट प्रभु, हमको खरीदा है, दुगना दाम दिया हुआ है, प्रभु ने हम लोग को सृष्टि किया और उस शैतान के जाल से खरीद करके हमें मुक्त किया है, डबल दाम रखता है, डबल दाम रखा है तो हम लोग को पूरा पूरा उसका अधिकारी है। ये काम करने के लिए हम लोग गुलाम के जैसा नहीं बनाए, हम लोग को स्वतंत्र बनाए, और पूछता है डू यू लव मी बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस को तीन बार पूछा, बोला नहीं, अब आपको जवाब नहीं दूंगा यार, फंस गया था मैं पहले, वो बहुत मार खाए भाई। पतरस बोला ना एक बार, सब लोग छोड़ देंगे प्रभु, छोड़ देंगे, उन लोग के बारे में एक्चुअली मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मैं जो हूं मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता हूं, नो वे सर, प्रभु आपने नहीं सुना है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, नेवर, इन लोग का मैं कुछ नहीं। प्रभु बोला रे ये तो ज्यादा फेंक दिया रे मैं फेंका नहीं हूं, मैं बोला हूं तो बोल दिया, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, क्या लगता है? एक मुर्गा को आदेश दिया, रे देख ये तीन बार मेरा इनकार करेगा अब तो बांग, ठीक है ना, उसने बोला ओके। उसको बोला पतरस तू आज के बाद अभी मुर्गा भांगेगा नहीं, भांगेगा जब तुम तीन बार उसके पहले मुझे इनकार कर लेगा। तुमने मुझसे प्यार करता था ये बोलना ठीक था इतना, लेकिन ये लोग के बारे में तुम छोटा क्यों दिखाया?
इन लोग के बारे में अंडर एस्टिमेट क्यों किया? अब तुमको तो झटका लगेगा, उसको रोना पड़ा। रोने के बाद में फिर वो अनुभव लाया, पुत्रस क्लास शुरू हो रहा, रेडी है? ओके सर, डू यू लव मी? नहीं, अब नहीं बोलना पा सर, आप सब जानते हैं साहब, सर आप सब जानते, आप ये भी जानते हैं मैं प्यार करता हूं कि क्या बोला, रे कोशिश कर, डू यू लव मी? ये सारा चीज से बढ़कर प्यार करता है? नहीं नहीं, नहीं सब जानते हैं, प्रभु भी यही चाहते हैं। आई सरेंडर करें, प्यार का मामला है भाई, आप बस इस कोना में है, मैं तो बोलू ओनली मैं 600 किलोमीटर दूर, आप इधर, आप 600 किलोमीटर इधर हो, लेकिन हम लोग सब लोग प्रभु के रखे गए जगह में है। आपको यहां पर रखा गया है जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, आप इस माहौल इस क्लाइमेट के लिए अच्छे हो। मैं उधर कोयला वाला क्लाइमेट में हूं, कोई बात नहीं, बीच बीच में कभी भी मुलाकात होते रहे, लेकिन हम लोग जहां भी रहे हम लोग प्रभु के दायरे में, एक खूबसूरती बरकरार रहे, एक खूबसूरती का राज कोलगेट नहीं, दांत का चमकने का राज कोलगेट और क्या बोलते हैं पेप्सिडेंट और क्लोजअप नहीं है, परमेश्वर का भय। आइए हम लोग परमेश्वर का भय मानते रहे, पवित्रता में जिए, प्रभु को उपस्थिति जानकर जिए, बुराई के साथ में अच्छा दुश्मनी निकालते हुए, क्योंकि जब तक दुश्मनी ठीक से नहीं निकालेंगे तब तक प्रभु के साथ में पकड़ के नहीं चलेंगे। प्रभु और मेरा परिवार, मेरा परिवार, हम उस यहोवा परमेश्वर का भय मानते रहे। बच्चों लोगों से भी बातचीत करें, बच्चे लोगों से जितना बात करेंगे उतना ज्यादा ये होगा, उनकी बातें अलग है, आज की समस्याएं अलग है, इसलिए मम्मी पापा बच्चों से भी बात करें और खुलम खुला बात करें, कोई भी गुप्त नहीं, सारे गुप्त बातें आप अब लड़कियों से, लड़कियां जवान हो रही हैं, उनसे भी हम मम्मी पापा समझ, उनसे बात करें, बेटा क्या है, चुपचाप रहती है, उदास रहती है, क्या बात है, सलाह मित्रता के जैसा अपने बच्चों के साथ करें, सारी चीजें खुली बातें होनी चाहिए। लड़का लोग अपने पापा से बात करें फ्रेंड के जैसा, वो आपको बहुत कदर करेंगे। यस, डरने की बात नहीं है, हम पवित्र पर प्रभु के समाज के लोग, इसलिए जो भी करेंगे खुला करेंगे, छुप के, छुपा वाला बात नहीं, छुप के नहीं, क्योंकि सारा प्रेम जो है सबको उजागर कर देता है, प्रेम में भय नहीं होता है ना। तो जो भी आप हैं, जैसा घर में है बाहर भी रहिए, डुप्लीकेट डबल लाइफ मत जिए, जैसा मैं हूं मैं घर में भी वही हूं और बाहर में भी, ये करेक्टर दूसरे लोग को पढ़ने दीजिए। कई बार लोगों को, विश्वासियों को देखने से पता ही नहीं चलता है कि कौन सा किताब, हम लोग को पढ़ने दीजिए, हम लोग खुला किताब के समान होना चाहिए। कई बार इतना रिजर्व रहेंगे, हालेलुया, अब इस चेहरा को देख करके समझ में कौन सा बिलीवर है। प्रभु ने बोला हमको किताब, खुला किताब बताइए, लोग को पढ़ने दीजिए, है ना। आइए प्रभु हम सब लोग को सहायता करें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं इधर उधर जाता हूं, जहां भी जाऊं, ये जो आवाज हमें प्रभु ने दिया हुआ है, अगर सच्चाई के साथ में यदि नहीं निकले, मैं प्रभु का बहुत बड़ा दोष हो गया। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करें, जहां भी जाए मैं भी मलहम पट्टी के साथ में जाऊं और मेरे बोलने के कारण से दूसरों को जरूर बल मिलने पाए, मेरे लिए प्रार्थना करें। जय श्री वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।